तो बिहार से बंगाल की ओर रुक करते हुए ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईडी टीम के हुए मामले के खिलाफ किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां के घर पर। जब ईडी की टीम गई थी तो उनके ऊपर ये हमला किया गया था। आशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है, तो संदेश खाली में फिर से बहुत बड़ा प्रदर्शन, पुलिस की तैनाती है लेकिन बीजेपी की भारी भड़कम वहां पर काडर दिख रहा है, झंडों के साथ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है? पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी दिख रही है, बैरिकेड को धक्का देकर आगे जाने की कोशिश की जा रही है। मजुमदार, भाजपा के राज्य अध्यक्ष खुद इस विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं और हाल ही में जो संदेश खाली की घटना थी जिसमें ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमला किया गया था, उसके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, खासतौर पर नाजाद पुलिस स्टेशन, वो इलाका है जो जहां पर संदेश खाली में घर पड़ता है शेख शाहजहां का, उस पुलिस स्टेशन को घेराव करने का ये कार्यक्रम था सुकांतो मजुमदार का। लेकिन जब थाने के पहले पास पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता सुकांतो मजुमदार के साथ, तो उनको पुलिस ने वहां पर रोक दिया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई हैं। अब सुकांतो मजुमदार वहीं ठीक पुलिस के बैरिकेड के सामने बैठ गए हैं और नारेबाजी लगातार कर रहे हैं, लेकिन कई भाजपा के कार्यकर्ता जो बैरिकेड है उसको तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आए, जब उनके साथ पुलिस के जो वहां पर कर्मी मौजूद थे उनके साथ धक्का मुक्की हुई है। और आपको बता दें, शेख शाहजहां का कुछ पता चला है आशिका? शेख शाहजहां का कुछ पता चला है क्या? ईडी की टीम फिर से वहां पुनः छापेमारी करने पहुंच रही है कि नहीं? वो भी कहा गया है कि अधिकांश बल के साथ पहुंचे, कम से कम 20 से 25 सीआरपीएफ काडर के साथ पहुंचे। बिल्कुल, हाल ही में ईडी डायरेक्टर कोलकाता आए, उन्होंने जो अधिकारी थे उनके साथ बैठक की और खास तौर पर सुरक्षा को लेकर के जो हेडक्वार्टर से आया है आदेश वो ये है कि कोई भी रेड पर जाएं ईडी के अधिकारी तो साथ में सशस्त्र जो सीआरपीएफ के बल हैं, यानी कि हेलमेट पहन करके, डंडे लेकर के, साथ में वेपन लेकर के वो वहां पर जाएं जब भी कोई छापेमारी हो। शेख शाहजहां की बात करें तो अब तक उसका पता नहीं चल पाया है कहां पर छुपा है, बंगाल में ही छुपा है या फिर बांग्लादेश भाग गया है, लगातार इसको लेकर के सियासत भी हो रही है, लेकिन पुलिस के हाथ शेख शाहजहां अब तक नहीं लग पाया है। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशिका इस अपडेट के लिए। तो एक तरफ जहां बंगाल में ईडी की अपना कार्रवाई करने के लिए रेड करने जाती है और मारपीट हो रही है, देखिए किस तरह से गाड़ियों को तोड़ा गया, वहां पर ईडी के ऑफिसर को मारा गया, उसके सर पर चोट आई, और दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदर्शन जहां अधिकांश सैन्य बल है, पुलिस बल है प्रोटेक्शन देने के लिए बीजेपी के प्रदर्शन के खिलाफ, वहां इतने सारे पुलिसकर्मी मौजूद हैं। ये पुलिसकर्मी जब ईडी छापेमारी करने गई थी तब कहां थे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये अब तस्वीरें कुछ दिन पहले की, 5 जनवरी की से पहले की तस्वीरें आपकी स्क्रीन के दाईं ओर और स्क्रीन के बाईं ओर। आज अभी बीजेपी का प्रदर्शन बंगाल में, संदेश खाली में।